3.6 के क्वेश्चंस किए, फर्स्ट क्वेश्चंस किए, और उसके बाद हमने उसमें 3.6 के अंदर हमने क्या पढ़ा, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है मान लो 2x + 2x + 5y = 6, तो हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये हमारे पास जितने हमने मेथड करे, चाहे वो एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, उन सारे मेथड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमने इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना था, तो ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट नहीं है, इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 1/x को a पुट कर लिया था और 1/y को b पुट कर लिया था। अब क्वेश्चन ये कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x^-1 + 5y^-6 = 6। अभी -1 है बट लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता है, x^y^1 होती है, और यहां पे -1 था इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, और इसलिए हमने इसको 1/x को a पुट करके 1/y को b पुट करके हमने इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज किया था। और एग्जांपल नंबर 19 है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार आया एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे बोथ कांसेप्ट का यूज हो रहा है, कांसेप्ट ऑफ बोथ यूज हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि यहां पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यूज हो रहा है। अब सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग समझते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है। अपस्ट्रीम का मीनिंग समझते हैं, फिर हम समझेंगे डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है। क्लियर, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या, मान लो ये रिवर है और इसके अंदर ये वॉटर है। क्लियर, और यहां पे एक बोट जा रही है, मान लो ये रिवर, ये वॉटर है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज स्ट्रीम, स्ट्रीम का मीनिंग होता है वॉटर का प्रेशर, और ये एक बोट है। जब बोट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बोट यहां पे जा रहा है, बोट यहां पे जा रही है, तो उस केस को बोलते हैं दैट इज अपस्ट्रीम। क्लियर, अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट का अपोजिट, बोट का और वाटर का अपोजिट डायरेक्शन में जाना, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। मैंने यहां से मान लो ऐड कर दिया कि बोट की स्पीड 1 किलोमीटर/आवर है और स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर/आवर है, तो इसकी इफेक्टिव स्पीड क्या है, इफेक्टिव स्पीड का मीनिंग क्या है, इस इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट, नाम से ही पता लग रहा है कि इफेक्टिव का मतलब इसके ऊपर वाटर का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे बोट की स्पीड पे और वाटर की स्पीड पे है, कहीं ना कहीं वाटर क्या करेगा, बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे जा रहा है, बोट यहाँ पे जा रही है, बोट यहाँ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बोट वाटर की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। कैसे कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मान लो बोट की स्पीड ज्यादा है, तो इसकी इफेक्टिव स्पीड क्या आएगी, x - y/km/h। क्लियर, क्योंकि यहां पे बोट की स्पीड ज्यादा है, बोट की स्पीड कम है, इसलिए बोट, मान लो बोट यहां पे गई और वाटर यहां पे गया, तो कहीं ना कहीं ये बोट, कहीं ना कहीं ये वाटर बोट की स्पीड को कम कर देगी, इसलिए इसकी इफेक्टिव स्पीड क्या आएगी, x - y/km/h। क्लियर, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हमने बोट की स्पीड को एक्सलेट कर लिया, स्टीम की स्पीड को वायलेट कर लिया।
डायरेक्शन में मिलेंगे कि बोट यहाँ पे जा रही है, स्क्रीन भी यहीं पे जाएगी। मान लो हम बोट से यहाँ पे जा रहे हैं और वोटर का प्रेशर भी वही है, तो कहीं ना कहीं वोटर जो होगा वो बोट की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी कि मान हमारी स्पीड एक्स है, तो कहीं ना कहीं हमें किसकी स्पीड मिलेगी, वोटर की स्पीड मिलेगी, और वो वोटर की स्पीड क्या कर देगी, बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देगी। इसलिए इसकी इफेक्टिव स्पीड क्या आएगी, दैट इज एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों, दोनों को हमने इसलिए प्लस किया है, तो कहीं ना कहीं जो बोट की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। यहाँ पे माइनस इसलिए किया था क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, बोट की स्पीड भी अलग थी और वोटर की स्पीड भी अलग थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वोटर होगा बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। ये कंसेप्ट था बोट का। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। हमारे पास टोटल टाइम गिवन है कितना, दैट इज 10 आवर। टोटल टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 10 आवर, और उसी 10 आवर में वो अपस्ट्रीम में भी जा रही है, वो बोट अपस्ट्रीम में भी जा रही है और डाउनस्ट्रीम में भी जा रही है। ये टोटल टाइम होगा 10 आवर, किसका, अपस्ट्रीम का भी और डाउनस्ट्रीम का भी। टोटल टाइम कितना होगा, 10 आवर। ये टाइम अपस्ट्रीम का भी और डाउनस्ट्रीम का भी है। फिर अब यहां से हम स्पीड और टाइम वाला कांसेप्ट यूज करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर। 10 डी के प्लेस में मैंने डी क्यों लिखा है, यहां पे क्या आएगा, डी ऑफ यू एंड डी ऑफ डी। क्लियर, क्योंकि अपस्ट्रीम से वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डाउनस्ट्रीम से वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अपस्ट्रीम से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो 30 अपॉन में, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, मैंने आपको बताई है x माइनस y किलोमीटर, ये किसकी स्पीड है, दैट इज अपस्ट्रीम की, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हमारी x प्लस y। तो क्या आएगा नीचे, x माइनस y प्लस डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 44। तो क्या आएगा, 44 अपॉन में x प्लस y इज इक्वल टू 10। क्लियर, यहां से कांसेप्ट यूज हो गया। उसके बाद हमारे पास टोटल टाइम कितना गिवन है, देखते हैं, दैट इज 13 आवर। क्लियर, क्या आएगा यहां पे, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 13 आवर। क्लियर, ये हमारे पास टोटल टाइम होगा कितना, 13 आवर, किस किस का, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम का भी आपको फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन दिस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन दिस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 13। और हमारे पास अपस्ट्रीम की डिस्टेंस गिवन है, दैट इज कितनी है, 44। सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं जिसमें टाइम 13 आवर, यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां से अलग स्टेटमेंट स्टार्ट होगी कि 13 आवर इट कैन गो 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये स्टेटमेंट अलग है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड में क्या ऐड करी थी, x माइनस y प्लस डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमारे पास, दैट इज 55। 55 और में x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर, यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, पुट 1 अपॉन में x माइनस y इज इक्वल टू a और 1 अपॉन में x प्लस y इज इक्वल टू b। यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 13 प्लस 44 b इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 44 a प्लस 55 b इज इक्वल टू 13। क्लियर, यहां से इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहां पे एग्जाम नोटबुक में 44 के प्लेस पे 40 है, तो यहां पे क्या आएगा, जहां 44 का मान जा जाएगा 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नोट करने को जाती है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर द फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। कि टू वुमेन और फाइव मैन ने किसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट किया। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर, उसी से रिलेटेड है। व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। कि 2 वुमेन और 5 मैन ने किसी वर्क को 4 डेज में किया और 3 वुमेन और 6 मैन ने किसी वर्क को 3 डेज में किया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। ये बताने की एक वुमेन किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, या फिर एक मैन किसी उस वर्क को पूरे वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, मतलब उसे पूरे वर्क में केवल एक वुमेन लगे और एक मैन लगे तो उसको कितना टाइम लगेगा। क्लियर,
यहां से ऐड कर लेंगे लेट नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू एक्स डेज. यहां से लेट कर लिया कि नंबर किसी वुमेन को वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है, एक्स डे लग गया. मतलब एक्स डे में उस वुमेन ने वर्क को फिनिश कर दिया. मान लो मैंने कहा कि किसी वुमेन ने टू डेज में वर्क को फिनिश कर दिया, तो टू डेज का मीनिंग क्या होगा, वन डे एंड वन डे. क्लियर? टू डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर दिया तो उसने वन डे में कितना काम किया होगा, हाफ वर्क किया होगा, और अगले दिन भी कितना काम किया होगा, हाफ वर्क. तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा. मतलब टू डेज में किसी वर्क को कंप्लीट किया गया तो एक दिन में उसने 50% काम किया होगा, दूसरे दिन में उसने 50% काम किया होगा. तो 50% का मीनिंग है कि पूरे वर्क का हाफ काम किया, पूरे वर्क का हाफ काम किया है. मतलब टू डेज में किसी वर्क को कंप्लीट किया तो वन डे में कितना किया, वन बाय टू. ये वन बाय टू क्या है, वर्क है. तो यहां से क्या पता लगा, ये क्या था, टाइम था, ये क्या था, वर्क था. तो यहां से क्या पता लगा, टाइम और वर्क आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मान लो मैं कह रहा हूं कि किसी पर्सन ने 3 डेज में वर्क किया तो 1 डे में उसे कितना वर्क किया होगा, 1/3 वर्क किया होगा. मैंने कहा कि किसी पर्सन ने 5 डे में वर्क किया और ये काम मैंने कि 1 डे में उसे कितना वर्क किया होगा, 1/5 वर्क किया होगा. क्लियर? ये उसका 1 डे का वर्क हो गया. क्लियर? तो यहां से मैं ऐड कर लिया, लेट द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय द वुमेन, लेट द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क इन एक्स डेज. एक्स डेज में उसने वर्क को फिनिश कर लिया तो उसका पर डे वर्क का मीनिंग है, एक दिन में उस वुमेन ने कितना वर्क किया होगा, 1/x. अभी आपको बताया कि टाइम और वर्क का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. ये क्या था हमारे पास, टाइम था, और ये हमारे पास क्या है, वर्क. मान लो मैंने कहा कि उस वुमेन ने 5 डेज में वर्क किया तो पर डे वर्क क्या आएगा, 1/5 आएगा. मैंने यहाँ पे लेट किया कि एक्स डे में उसने वर्क किया तो 1 डे का वर्क क्या आएगा उसका, 1/x आएगा. ये तो मैंने किसकी बात करी, वुमेन की. अब बात करते हैं मैन की. लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू फिनिश द वर्क. हमने लेट कर लिया कि उस मैन ने किसी वर्क को बाय डेज में फिनिश किया. क्लियर? तो उसका पर डे वर्क क्या आएगा, पर डे वर्क का मीनिंग है एक दिन का वर्क क्या आएगा उसका, 1/by वर्क आएगा. ये उसका 1 डे का वर्क है, किसका, ये वुमेन का 1 डे का वर्क है और ये मैन का 1 डे का वर्क है. और क्वेश्चन में ये लिखा है कि टू वुमेन एंड 5 मैन, कि दो वुमेन ने और 5 मैन ने कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डेज. उन्होंने उस डे उस वर्क को कितने दिन पूरा किया, 4 डेज में किया. किसने, टू वुमेन ने और 5 मैन ने 4 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट किया. अब टू वुमेन ने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक वुमेन का 1 डे का वर्क राइट कर दिया. एक वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/x, और ऐसे एक मैन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/y. तो ये टू वुमेन का 1 डे का वर्क हो गया, ये 5 मैन का 1 डे का वर्क हो गया, 1 डे वर्क हो गया, एक दिन का काम हो गया. और 4 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट किया जा रहा था तो 1 डे में कितना वर्क होगा, 1/4. 2 × 1/x का मीनिंग है कि 1/x 1 वुमेन का 1 डे का वर्क है. मतलब 2/x 2 वुमेन का 1 डे का वर्क है, 5/y 5 मैन का 1 डे का वर्क है. तो ये दोनों 1 डे वर्क है और यहाँ पे क्या 4 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट किया गया तो 1 डे में कितना वर्क किया जाएगा, 1/4. क्लियर? ऐसे दूसरी क्वेश्चन हमारे क्या बनेगी कि 3 वुमेन ने और 6 मैन ने किसी वर्क को, 3 वुमेन ने एंड 6 मैन ने किसी वर्क को 6 डे में कंप्लीट किया, सॉरी 3 डे में कंप्लीट किया. तो यहां से 1 डे का वर्क निकालेंगे, 3 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है हमारा, 1/x. तो क्या आएगा, 1/x प्लस, और मैन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/y. तो क्या आएगा, 1/y. और ये पूरा का पूरा क्या है, 1 डे का वर्क है. और यहाँ पे हमने हमारे पास क्या गिवन है कि 3 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट किया गया तो 1 डे का वर्क कितना आएगा, 1/3 आएगा. क्लियर? ये 3/x 3 वुमेन का 1 डे का वर्क है, 6/y 6 वुमेन का 1 डे का वर्क है, और ये 1/3 क्या है कि 1 डे का दोनों का वर्क है, मैन और वुमेन का. क्लियर? तो क्या आएगा, 3/x प्लस 6/y = 1/3.
तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। और एक्स और वाई हमारा क्या था कि एक्स क्या था कि उस वुमेन ने वर्क को कंप्लीट किया होगा, उस वुमेन ने कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट किया होगा, और वाई क्या था हमारे कि मैन ने कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट किया होगा। यही हमने निकालना था कि उन दोनों ने कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, डिस्कस करते हैं। रोहित ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन पार्शियली बाय बस। रोहित ने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये टोटल कितना था 300 किलोमीटर। उसने इस डिस्टेंस को ट्रेवल करा कुछ ट्रेन से, कुछ मान लो ट्रेन से करा, उसके बाद इसने इसको बस से ट्रेवल किया। क्लियर? शी टेक्स 4 आवर, उसको कितना टाइम लगा 4 आवर, जब उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया एंड रिमेनिंग बाय बस, बाकी बचे डिस्टेंस को बस से ट्रेवल किया। अब 300 किलोमीटर ट्रेवल करना था, 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर दिया, तो बाकी कितना बचा, दैट इज 240। क्लियर? यहां से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, बाकी कितना बचा 240 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया 300। मतलब 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया और 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया। तो यहां से नेट कर लेंगे दैट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन ऐड कर लिया एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, कि बस की स्पीड कितनी ले रही वाई किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना टाइम लगा दैट इज 4 आवर। शी टेक्स 4 आवर, उसको टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर, और ये टोटल टाइम किसके है दैट इज टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ बस, कि ट्रेन से जाने का टाइम क्या इसके अंदर और बस से जाने का भी टाइम है, क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस को ट्रेन से ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस को उसने बस से ट्रेवल किया। और जब ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो उसकी स्पीड अलग होगी, बस से ट्रेवल करेंगे तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो टाइम ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द टाइम, तो टाइम का फॉर्म क्या होता है डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, तो क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन अपॉन द स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ बस अपॉन द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहां से टाइम को मैंने 4 में ड्राइव कर लिया, टाइम का फॉर्म क्या होगा डी बाय में एस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब dt का मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज 60 किलोमीटर, तो क्या आएगा 60 बाय में स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है दैट इज x किलोमीटर, प्लस db का मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, किसने बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज 240 अपॉन में sb का मीनिंग है स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितनी दैट इज y इज इक्वल टू क्या है 4। क्लियर? ये किसका टाइम था ट्रेन का, ये किसका टाइम था बस का, टोटल टाइम कितना लगा दैट इज 4। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, टोटल कितना था 300 किलोमीटर से 300 किलोमीटर में से उसने 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, ये ट्रेन से ट्रेवल किया रिमेनिंग बाय बस, बाकी कितना बचा दैट इज 200 किलोमीटर। ये किससे ट्रेवल किया उसने बस से ट्रेवल किया। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना गिवन है, टोटल टाइम हमारे पास गिवन है 10 मिनट लॉन्ग है, उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, पहले कितना टाइम लग रहा था 4 आवर, अब उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब पहले वाले के कंपैरेटिवली 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, पहले उसको 4 आवर लगा, अब कितना टाइम लग रहा है 4 आवर प्लस 10 मिनट, मतलब 4 आवर 10 मिनट लग रहे हैं उसको उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं प्रूव इक्वेशन को हम आर में चेंज कर लेंगे, आर में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्पीड गिवन है वो भी आर में गिवन है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 4 आवर प्लस मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये भी आर में चेंज हो गया, 0 से 0 कट, क्या आएगा 4 प्लस 1 बाय 6, और इसका एलसीएम क्या आएगा 6, क्या आएगा 24 प्लस 1 दैट इज 25 बाय 6 आ गया। क्लियर? ये उसका टोटल टाइम आ गया टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ बस। क्लियर? अब टाइम ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन अपॉन द स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस अपॉन द स्पीड ऑफ बस। तो dt का मीनिंग है इसने ट्रेन से कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया दैट इज 100 अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x प्लस बस से कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया 200 अपॉन में sb, sb का मीनिंग है स्पीड ऑफ बस कितनी थी y, हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ बस को क्या लिख किया था y लिख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 100 बाय x प्लस
100 बाय y इज इक्वल टू 25 बाय 6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1 बाय x को पुट करके, 1 बाय y को b पुट करके। क्लियर? पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है एंड ट्राई टू मेक द इक्वेशंस, उसकी इक्वेशन खुद बनाने की कोशिश करो। देखो नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हो, जो खुद हो रहा है तो बेस्ट है। मतलब पहले कोशिश करो कि अपने आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं तो कराया हूं, आप लोग खुद पहले इसको सॉल्व करो, खुद इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो।